अखंड शिक्षा ज्योति मेरे स्कूल से निकले मोती कार्यक्रम का आयोजन राणा मानचंद मेमोरियल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सुलह में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने शिरकत की, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने की। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकारी स्कूलों की विश्वसनीयता और नामांकन बढ़ाने के लिए अखंड शिक्षा ज्योति मेरे स्कूल से निकले मोती योजना आरंभ की गई है। मंत्री ने बताया कि हमारा मंदिर ये स्कूल है, हम बच्चों को ऐसे सांचे में ढालें ताकि भविष्य का निर्माण इतना मजबूत हो सके कि हम सांस्कृतिक समाज का निर्माण कर सकें। हमारे पास एक नहीं हजारों उदाहरण हैं। लालसा बड़ी हो सकती है, इच्छा बड़ी हो सकती है। हमने देखा है कि इन्हीं स्कूलों से निकले कई लोग जिन्होंने अपने इलाके का नाम रोशन किया है, इसके लिए उन्होंने उन्हें बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि बच्चों और विभिन्न क्षेत्रों में नाम स्थापित करने वाले एक साथ सम्मानित करने से युवा पीढ़ी को ऐसी विभूतियों से प्रेरणा भी प्राप्त होती है। उन्होंने बच्चों से नशे से दूर रहने का आह्वान भी किया। स्वास्थ्य मंत्री ने विद्यालय में अतिरिक्त कमरों और चार दीवारी के निर्माण के लिए 20 लाख, सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख देने की घोषणा की। उन्होंने इस अवसर पर विद्यालय की स्मारिका सुदुपिति का भी विमोचन किया। भाई और बहनों, हम मन से जुड़े हैं, हम भावनात्मक तरीके से लोगों से जुड़े हैं, इसलिए कहीं अपने व्यक्ति की प्रशंसा हो रही हो, कहीं अपने इलाके के लोगों के अच्छी बातें रखी जा रही हो तो मन प्रफुल्लित होता है, मन खुश होता है। और हिमाचल प्रदेश की सरकार ने भी ये इसीलिए शुरू किया कार्यक्रम कि मेरे इलाके से जो भी निकले, जिन स्कूलों से निकल करके जिस मुकाम पर पहुंचे, उनको जरूर याद किया जाना चाहिए। और सिर्फ याद शाल टोपी से नहीं, एक ऐसी पट्टिका जिसका उद्घाटन आज यहाँ पर हुआ, हमेशा हमेशा के लिए वो नाम वहां पर लिखे जाए जाने चाहिए ताकि भविष्य में वो नाम हमेशा हमारी आंखों में, मन मस्तिष्क में इस तरीके से गूंजते रहे, वो हमारे लिए हमेशा प्रेरणा देते रहे। इसलिए आज का ये कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया। कुछ और सोच रहे हैं, इसलिए मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, अध्यापक बंधुओं से भी एक ही बात कहना चाहता हूँ, हमारा मंदिर ये स्कूल है, हम विद्यार्थियों को उस सांचे में ढाल दें ताकि भविष्य का निर्माण इतना मजबूत हो सके, हम संस्कारित समाज का निर्माण कर सके। और हमारे पास एक नहीं हजारों उदाहरण है, लालसा बड़ी हो सकती है, इच्छा बड़ी हो सकती है, पर मैंने देखा है हमारे इन्हीं स्कूलों से निकली हुई विभूतियों ने जहां जहां पर इनको सेवा का मौका मिला वहां पर इलाके को 4 चांद लगाए। इसके लिए भी मैं बधाई और मुबारकबाद देना चाहता हूं। इसलिए मेरा निवेदन ही, हम ऐसे विद्यार्थी तैयार करें। बच्चों की भी माता पिता की बहुत इच्छा है, बहुत इच्छा है मेरे बच्चा, मेरा बेटा वहां पहुंच जाए, पर चिंताएं बेटियों की हो रही है, बेटों की चिंता कोई नहीं करता। जहां मैं जा रहा हूं बेटियां ही बेटियां उन स्थानों तक पहुंच गई जहां कभी हमने सोचा नहीं, बेटों की तरफ नजर दौड़ा रहे हैं, चिंता हो रही है कि नशे के उस चंगुल में वो इतने रूप से जगड़ते जा रहे हैं, चौराहे और दौराहे पर वो खड़े हैं। इसलिए मेरा निवेदन ये है, ये ऐसे संस्थान हैं जहां पर हम, इसलिए और यहां पर कहा गया कि कुछ कमरे और चाहिए, बिल्कुल चाहिए, यहां पर कमरे होने चाहिए। और साइंस लैब के लिए भी इन्होंने 4 दीवारी की बात कही है, तो मैं शिक्षा विभाग और हिमाचल प्रदेश से इन सारे कामों को करने के लिए 20 लाख रुपए की घोषणा करता हूँ। कमरे भी बनेंगे और 4 दीवारी भी लगेगी,
यही मैं कहना चाहता हूँ।